लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन इन लड़कियों को किससे लड़ना है शायद ये कांग्रेस बताना भूल गई, क्योंकि जिस कोरोना से सरकार नहीं लड़ पाई, आखिर उस कोरोना से लड़कियाँ कैसे लड़ेंगी? क्योंकि जब कांग्रेस के मैराथन में इतनी भीड़ जुटाई जाएगी तो कोरोना नियम भी टूटेगा, साथ ही भगदड़ भी मचेगी। और कुछ ऐसा ही हुआ, जहां बरेली में कांग्रेस की लड़की हूँ लड़ सकती हूँ मैराथन रैली थी, लेकिन इस रैली में अचानक भगदड़ मच गई तो कई लड़के इस भगदड़ में घायल हो गए। लेकिन हद तो तब हो गई जब इस भगदड़ को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मेयर पूछा गया कि बच्चियों के बीच आखिर भगदड़ कैसे मच गई, क्या ये अव्यवस्थाओं के मैराथन थी, तो उन्होंने वैष्णो देवी में मची भगदड़ का उदाहरण दे दिया कि ये इंसानी फितरत है। साथ ही इशारों में सुप्रिया एरन ने इसे साजिश का नाम भी दे दिया। सुनिए आप। हाँ बताएं। तीर्थ यात्रा के लिए लोग वैष्णो देवी गए थे, वहाँ क्या हुआ उसको आप क्या कहेंगे? ये इंसानी फितरत होती है कि हम आगे बढ़ते हैं, पहले हम आगे बढ़े। यहाँ तो ये छोटी बच्चियाँ हैं, अभी स्कूल में पढ़ ही रही हैं, तो थोड़ा बहुत भागदौड़ हो गई। आप लोगों से मेरी गुजारिश है, क्योंकि मैं खुद मीडिया से हूँ, मेरी अपने मीडिया के भाइयों से गुजारिश है, प्लीज़ अगर किसी के साथ कोई किसी को ऐसा बुरा लग गया हो तो मैं सब अपने कांग्रेस की तरफ से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। कुछ नहीं ऐसा है, आप लोग सब हमारे भाई हैं, और मैं जानती हूँ अंदर ही अंदर आप सब कांग्रेसी हैं, मैं ये भी जानती हूँ, क्योंकि मैं रही हूँ, मैं बात करती हूँ दिल्ली में, सारा मीडिया चाहता है कांग्रेस वापस आए, कैसे आए यही सब सोच रहे हैं। तो आप लोग उसका कारण भी एक चीज मैं बता दूं, आपके बीच के लोगों ने अभद्रता की, अभी मीडिया से हाथापाई तक की नौबत आ गई। नहीं नहीं, किसी ने हाथापाई, वो देखिए वही बात जैसे बहन जी ने कहा कि हर तरह के लोग हर जगह घुस जाते हैं, मैं तो ये भी कहूंगी ये कोई साजिश भी हो सकती है। कौन था, क्या था, किसी का चेहरा देखा आपने? हम में से बीच में नहीं होगा वो, ये प्लांटेड लोग थी, और कांग्रेस का इतना बढ़ता वो देखकर जनाधार, क्या पता कौन बीच में आ गया। तो आप हमें उनकी तरफ से भी आपसे माफी मांग। अब प्रियंका गांधी ही ये बताए, जब ये भीड़ अगर सुपर स्प्रेडर में बदली तो क्या प्रियंका गांधी ये बोलेगी कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ? वैसे तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि कांग्रेस ने किस तरह की व्यवस्था संभाल रखी थी। कांग्रेस व्यवस्था संभालने में नाकाम रही और लड़कियों के साथ भेदभाव भी हुआ। ये हम नहीं बल्कि मैराथन में आई इन बच्चों की जुबानी आप सुनिए। यहाँ पे चीटिंग हुई है, लड़कियों को कार से, गाड़ियों से, स्कूटियों से लेके जाया जा रहा है। हम लोग तो पागल है, हम लोग तो पागल है, जो 7 किलोमीटर की रेस करके यहाँ पे खा रहा है क्या? ले जाया गया टेम्पो से, स्कूटियों से, और हम लोग को आगे भी ले जाया गया। आगे के लोग लोगों को टोकन दे दिया, देख देख के मुँह देख देख के टोकन दिया जी, क्या हुआ? हम लोगों को साइड में कर दिया, हम लोगों के बच्चे हमारे बच्चे थे तो हम भी बच्चे भैया। वैसे बच्चियों की बात प्रियंका गांधी को सुनना चाहिए, क्योंकि वो जिन बच्चियों की भीड़ को अपनी रैली को सुपरहिट बनाने के लिए लाई थी, उन बच्चियों के साथ ही भेदभाव हो गया, और अब बच्चियां ही भेदभाव का आरोप लगा रही हैं।